सो एपिसोड 11 में सूजिंग को पनिश करने के लिए बुलवाया जाता है, जिसे एपिसोड 12 में पेश किया जाता है। सूजिंग की बॉडी खून से लथपथ थी। छिनछिन उसके इस अपीयरेंस को देख के शॉक हो जाती है कि ये ऐसा हाल इसका कैसे हो गया। सूजिंग उसे बताता है कि वो छिनछिन को ही प्रोटेक्ट करने के चक्कर में उन डाकुओं के पीछे गया था और मरते मरते बचा उनसे। पता नहीं क्या खिचड़ी पका रहा है ये सूजिंग। छिनछिन को सूजिंग की इस हालत पे दया आ जाती है एंड चूचू को सजेस्ट करती है कि उन्हें इसे छोड़ देना चाहिए। उसे नहीं लगता कि इसने जानबूझकर कैंप को एक्सपोज किया होगा। चूचू टॉन्ट वे में पूछती है, तो जैसे तुम उन डाकुओं के लीडर मैंगुओं को 7 बार पकड़ के 7 बार छोड़ने के लिए कह रही थी, इसके साथ भी हमें यही करना होगा? हाँ। वो गार्ड सूजिंग को खींच कर ले जाने लगते हैं, जिससे सूजिंग का ब्रोकन पेंडेंट गिर जाता है और चूचू की नजर में आ जाता है। इसी सेम पेंडेंट का टुकड़ा चूचू ने उस गड्ढे में भी पाया था। चूचू सूची से इंक्वायरी करती है कि ये पेंडेंट का दूसरा पीस उस गड्ढे में कैसे आया जहां मैं गिर गई थी, क्या तुम ही हो इस जाल के पीछे? गड्ढे के जिक्र से हांशु भी अब इस कॉन्वर्सेशन में इंटरेस्ट लेने लगता है। किसी को भी दूर दूर तक नहीं लग रहा था कि इस गड्ढे वाले प्लान का कोई कनेक्शन छिनछिन से भी हो सकता है, मगर ये सूजिंग घुमा फिरा के छिनछिन को इसमें फंसा देता है, ये कह के कि ये जाल मैंने बिछाया था। प्लीज क्राउन प्रिंसेस, छिनछिन को ब्लेम मत करिएगा, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, सारी अरेंजमेंट मैंने ही की थी। वाह, क्या अच्छा प्रोटेक्ट किया है सूजिंग ने छिनछिन को। अब सूजिंग से ब्लेम उठकर छिनछिन पर आ चुका था और छिनछिन डरते हुए सर हिलाते अपनी बहन के एलिगेशन को एक्सप्लेन करने लगती है कि ये बस एक मिस्टेक है। लेकिन ये सूजिंग आपको और भड़का देता है एक्सप्लेन करके कि कैसे वो सेकंड प्रिंसेस चूचू और यंग मास्टर हांचू को सेट करने के लिए ही उसे ये जाल बिछाने के लिए कहा था। छिनछिन फ्रस्ट्रेशन से अपना दांत पीसते हुए सूजिंग को कोस रही थी। हांचू छिनछिन को गुस्से भरी निगाहों से घूर रहा था और कन्फ्रंट करता है छिनछिन को, मुझे लगा था कि तुम मनमौजी हो, नॉटी हो, बट अब पता चला कि तुम्हारे तो दिल ही नहीं है। और गुस्से में ही वो वहां से चला जाता है। अब बारी आती है चूचू की, सो वो चूचू को एक्सप्लेनेशन देने लगती है, पर चूचू उसे ब्लेम कर ही नहीं रही थी। वो कहती है कि मुझे तो तुम्हें थैंक यू करना चाहिए, और अगर तुम सच में हांचू मुझे देना चाहती हो तो तुम्हें ये सब ट्रिक्स और भी ज्यादा प्ले करनी चाहिए, इससे हांचू खुद ही तुम्हें छोड़ देगा। हांचू के छिनछिन को बचाने के चक्कर में जो चोट लगी थी उस पर मरहम लगाने चूचू पहुंच जाती है। हांचू बहुत ही ज्यादा नाराज लग रहा था छिनछिन की इन ट्रिक्स को जानकर। चूचू इसे और भी ज्यादा वॉस्ट कर रही थी ये कह कर कि हुआयन सिटी में वुमेन्स का स्टेटस सबसे हाई होता है, इसलिए तुम छिनछिन के लिए बस एक खिलौने की तरह हो जिससे वो बोर होने पर अपने से दूर फेंक देगी। इसी में छिनछिन भी वहां आ जाती है। छिनछिन भी उसके लिए दवा लेके आई थी, बट ऑलरेडी वहां की जगह को चूचू की दवा ने ऑक्यूपाई कर लिया था, लेकिन छिनछिन भी उन दवाओं को हटाकर अपनी दवाओं के लिए जगह बना ही लेती है। हांचू छिनछिन को देख के समझ ही नहीं पा रहा था कि वो छिनछिन पर गुस्सा करे या नाराजगी दिखाए। हांचू के कपड़ों से चूचू का शैशे गिरता है और साथ ही चूचू एकदम पास आके हांचू की चोट को बैंडेज कर रही होती है। ये सब देखकर छिनछिन अनकंफर्टेबल फील करने लगती है और वहां से चली जाती है। छिनछिन चूचू और हांचू को इतना क्लोज देख के अनॉयड तो फील कर रही थी, वो बड़बड़ा रही थी, मेरे उन्हें सेट करने के ट्रिक से हांचू इतना इरिटेटेड शो कर रहा है, पर उसकी बॉडी तो कुछ डिफरेंट ही स्टोरी बता रही है, वो चूचू से कितना पास आके मेडिसिन लगवा रहा था। हांचू को सूचिंग जो पहले से ही पसंद नहीं था, अब उस पर उसे शक भी होने लगा था कि वो यहाँ सिर्फ छिनछिन का ध्यान रखने ही नहीं आया है, कुछ और भी है उसके साथ। वो बाईजी को ऑर्डर देता है कि वो नजर रखे सूजिंग पर। रात के अंधेरे में सूजिंग छुपते छुपाते व्हाट्सएप के सबसे ओल्डेस्ट वर्जन कबूतर के थ्रू एक मैसेज किसी को भेज रहा होता है, पर वो नोटिस ही नहीं कर पाता कि उसका कबूतर मंजिल में पहुंचने से पहले ही किसी के तीर का शिकार होकर ढेर हो चुका है। नेक्स्ट डे हांचू और चूचू मैंगुओं को फिर से पकड़ने का प्लान बना रहे थे, क्योंकि छिनछिन ने उनसे 7 बार मैंगुओं को पकड़ के 7 बार उसे छोड़ने को कहा है, एंड छिनछिन के अकॉर्डिंग 7वीं बार वो खुद ही सरेंडर कर देगा, क्योंकि छिनछिन की ओरिजिनल स्क्रिप्ट में ऐसा ही हुआ था, तो वो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही चल रही थी। छिनछिन जो अब क्राउन प्रिंसेस बन गई है, सो उसके स्टूपिड से सजेशन को भी उन्हें मानना पड़ता है। सो वो दोनों सावधानी से एक बार फिर मैंगुओं को पकड़ने की प्लानिंग कर रहे थे और दूसरी तरफ छिनछिन आराम से वहां घूम फिर रही थी। आधे से मजबूर चूचू का अटेंडेंट कंप्लेन करता है कि आपके लिए तो इन डाकुओं को पकड़ना इजी है, क्योंकि मेन काम तो सेकंड प्रिंसेस चूचू और यंग मास्टर हांचू को ही करना है, इवन अब तो एक सही ऑर्डर देने की दिक्कत भी आपसे नहीं उठाई जा रही है। छिनछिन उस अटेंडेंट की तीखी बातों को सुनकर उनके प्लान को ज्वाइन करती है एंड रैंडमली कहीं भी मैप में मार्क करने लगती है एंड बिना कुछ सोचे बोल देती है कि यहाँ हम फायर अटैक करेंगे और यहाँ पे हम वाटर अटैक करेंगे। ये सब देख के चूचू के अटेंडेंट की जुबान फिर से चढ़ने लगती है कि आपको तो बस अटैक के लिए कहना है, पर उस अटैक को इम्प्लीमेंट तो सेकंड प्रिंसेस चूचू और यंग मास्टर हांचू को करना होगा। छिनछिन समझ नहीं पा रही थी कि वो फिर करे क्या। वो जब चुप रहती है तो सब कहती है कि वो हेल्प नहीं कर रही,
और जब वो कुछ बता के हेल्प करती है तो सब कहते हैं कि वो सिर्फ बोली रही है। हांशु उसे कहता है कि तुम कुछ ना समझ पाओ, ऐसा कैसे हो सकता है, चालाक तो तुम बहुत हो, तभी तो ऐसे जाल बिछाने का आइडिया क्रिएट कर पाई। चिनचिन रिप्लाई करती है कि अगर मैं सच में इतनी चालाक होती तो तुम लोग को पता थोड़ी लग पाता कि मैंने क्या किया है। हांशु और भी इरिटेट हो जाता है चिनचिन की इस रिप्लाई से। वो चिनचिन को सजेस्ट करता है कि उसे हेल्दी नरिशिंग फूड खाने की जरूरत है और वो पाई जी से खाने का मेन्यू पूछता है जिसमें सारी डिशेस कबूतर से बनी हुई थी। हांशु हिंट देता है कि शायद पे हांग है जो चाहते हैं कि तुम किसी भी तरह फूकी ना रहो। चिनचिन हांशु के इस कबूतर वाले डिश में छुपे हुए मीनिंग को समझ नहीं पाती है। मीनवाइल पे हांग सोच रहे होते हैं कि उसका मैसेंजर कबूतर अब तक आया क्यों नहीं। उसे क्या पता था उसका मैसेंजर कबूतर अब किसी की खाने की प्लेट में सज चुका है। ख्वायान सिटी में रात को सेलिब्रेशन का माहौल था, सब क्राउन प्रिंसेस की प्रशंसा करने में लगे थे। सेलिब्रेशन इसलिए रखा गया था क्योंकि उन्हें खबर मिल चुकी थी कि वेलंग माउंटेन के डाकुओं के लीडर मैंगुओ को पकड़ लिया गया है। इस सेलिब्रेशन में अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ था कि एक सोल्जर आके रिपोर्ट करता है कि क्राउन प्रिंसेस चिनचिन ने मैंगुओ को फिर से आजाद कर दिया है। शॉक हुई सिटी ओनर चंगजू पूछती है कि कितनी बार वो उसे आजाद करेगी उसे अरेस्ट करने के बाद। चूचू के सपोर्टर मौके का फायदा उठाकर चिनचिन को इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज करने लगते हैं। पेहांग चिनचिन के सपोर्ट में अपनी बात रखता है कि वो अगर ऐसा कर रही है तो जरूर इसके पीछे कोई कारण होगा। सिटी ओनर चंगजू भड़कती हुई कहती है कि अगर ऐसा है तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो आखिर करना क्या चाहती है। सिटी ओनर चंगजू तो गुस्से में वहां से अपनी बॉडी लेके चली जाती है, पर उसका अटेंडेंट सांगची इन्फॉर्म करता है सबको कि वो सब ये दावत एंजॉय करते रहे। इसी दावत के बीच एक ट्रंक फीमेल मिनिस्टर सुमो को अपने पास बुलाती है और पूछती है कि वो म्यूजिक एंड डांस एकेडमी कब वापस जाएगा। सुमो इसका कोई रिप्लाई नहीं देता है। वो ट्रंक मिनिस्टर उसे ड्रिंक करने का ऑर्डर देती है। चैनवर इस पूरे नजारे को विटनेस कर रही थी और वो सुमो को रेस्क्यू कर लेती है उसे एक पेंडेंट देके, जो इन दिनों उसकी केयर करने के लिए एक गिफ्ट के तौर पर था। ये पेंडेंट सबके सामने उसने सुमो को इसलिए दिया था जिससे सबको पता चल जाए कि ये सुमो चैनवर के मेंशन का एक ऑनर्ड गेस्ट है, जिससे वो लोग सुमो को आगे से एक म्यूजिशियन की तरह ट्रीट ना करें। इधर मैंगुओ को दोबारा फिर से पकड़ लिया जाता है और मैं बता दूं मैंगुओ को ये सिक्स्थ बार पकड़ा गया है। सो चिनचिन फिर ऑर्डर देती है मैंगुओ को छोड़ने का। चूचू कंप्लेन करती है कि तुम्हारे लिए ऐसा मजाक है क्योंकि तुम्हें कोई एफर्ट्स नहीं करना पड़ा है। चिनचिन मैंगुओ की तारीफ करते हुए कहती है कि मैंगुओ बहुत ही ब्रेव और सिंपल पर्सन है, एक बार वो कन्विंस होकर हमारे साथ मिल गया तो एक बहुत अच्छा मिलिट्री काउंसलर बनेगा वो। मैंगो और चिनचिन की इन तारीफों से बहुत ही प्राउड फील कर रहा था। उसे भी सात बार पकड़ो और फिर आजाद करो के इस कॉन्सेप्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। चिनचिन चूचू से रिक्वेस्ट करती है कि बस एक बार की बात और है, बस एक लास्ट बार तो करना है। मैंगो अभी चिनचिन का समर्थन करते हुए कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल सही, मुझे बस एक चांस और दे दो। चूचू बिन मर्जी के फिर से छोड़ देती है मैंगो को। मैंगो जाते जाते इन्फॉर्म करता है कि लास्ट सातवीं बार की फाइनल बैटल के लिए कल वो कैंप के 5 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा। कल की फाइनल बैटल के लिए चिनचिन भी जोरों शोरों से प्लानिंग में लगी हुई थी। वो प्लान करती है कि हम दो ग्रुप्स में डिवाइड होंगे और जिसमें वो खुद आर्मी को लीड करेगी मैंगुओ को अट्रैक्ट करके जाल में फंसाने के लिए, और दूसरी टीम में चूचू और हांशु होंगे जो उन पर पीछे से हमला करेंगे। चूचू को इस प्लान से कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी, बात थी तो हांशु की, क्या उसे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? हांशु शो तो यही कहता है कि उसे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पर वार्निंग जरूर देता है चिनचिन को कि अगर उसके प्लान के अकॉर्डिंग सब नहीं हुआ और वो दोनों उस टाइम पर रेस्क्यू के लिए नहीं आ पाए जब चिनचिन सामने से उस मैंगुओ को कन्फ्रंट कर रही होगी, तब क्या एक्शन लेगी वो। और वो डरा देता है चिनचिन को ये कह के कि मैंगुओ को तो तुम जानते ही हो, वो तुम्हें पकड़ के तुम्हें पाना चाहता है और तुम्हारे जैसे यंग और ब्यूटीफुल सी औरत के हाथ लग गई तो सोच लो वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। हांशु की बातों से चिनचिन की रूह तक कांप जाती है, फिर भी वो अपने को काम दिखाते हुए चूचू को इंसिस्ट करती है कि वो उसकी टीम में आ जाए। चूचू इनकार कर देती है क्योंकि उसे डर था कि कहीं इस बार भी मैंगो को पकड़ के वो उसे छोड़ने को ना कह दे। हांशु इनडायरेक्टली ट्राई पे ट्राई कर रहा था, उसे इशारे दे रहा था जिससे वो चूचू को छोड़कर उसे अपनी टीम में ले ले, जो चिनचिन के सर से ऊपर जा रहा था। सो हांशु डायरेक्टली उससे पूछता है कि वो उसे क्यों नहीं अपनी टीम में रख लेती है। चिनचिन हांशु को रिजेक्ट करते हुए कहती है कि उसे उसकी तरह का बॉसी और गुस्सैल इंसान अपनी टीम में नहीं चाहिए। सूचिंग चिनचिन को सजेस्ट करता है कि क्यों ना आप कैंप में ही रुककर इंतजार करें और मैंगुओ को पकड़ने का काम सेकंड प्रिंसेस चूचू और यंग मास्टर हांशु पर छोड़ दें। मेरे हिसाब से तो चिनचिन को अलर्ट रहने की नीड है इस टू फेस सूचिंग से। हांशु सूचिंग के सजेशन से चिढ़ जाता है। हांशु के सजेशन के अगेंस्ट कुछ बोलने से पहले ही चिनचिन एग्री कर लेती है। हांशु को यही लग रहा था कि चिनचिन बस मुझे अपने से दूर रखना चाहती है, और वो फ्रस्ट्रेशन में आके मान लेता है कि वो चिनचिन को यहाँ अकेले छोड़ देगा।
बट वो बाई जी को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे देता है कि अगर कुछ भी अनयूजुअल होता है तो फायरवर्क जला के उस तक सिग्नल पहुंचा दिया जाए। सो एट लास्ट छिंचिन को सभी अकेला कैंप में छोड़कर मैंगुओ को सातवीं बार पकड़ने के मिशन पर निकल जाते हैं। इधर वो मैंगुओ अपनी बातों से मुख कर बताई हुई जगह ना जाकर सीधे छिंचिन के लिए उसके कैंप पर धावा बोलता है। छिंचिन हांशु को सिग्नल देने के लिए वो फायरवर्क मंगवाती है जो अब पानी में भीग चुका था। हो ना हो ये काम सूची के अलावा किसी का नहीं हो सकता। मैंगुओ छिंचिन की प्रोटेक्शन आर्मी को चीरता फाड़ता छिंचिन तक पहुंच के उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है। हांचू तक भी ये खबर पहुंच जाती है, पर जब तक वो वहां पहुंचता है छिंचिन को वहां से मैंगुओ ले जा चुका होता है। छिंचिन जब होश में आती है तो वो खुद को एक अनजान जगह पाती है। छिंचिन को रह रहकर हांचू की वो डरावनी बातें याद आ रही होती है जिससे उसका डर और ज्यादा बढ़ रहा होता है। छिंचिन बेचैनी से इधर उधर देखने लगती है। उसकी नजर मैंगुओ के गोल्स की तरफ पड़ती है जिसमें एक गोल छिंचिन को पाना भी था जो उसने कंप्लीट कर लिया है। छिंचिन को मैंगुओ की आवाज सुनाई देती है और वो उस रूम में लगे होल से बाहर जागती है और देखती है कि बाहर एक दावत और सेलिब्रेशन की तैयारी चल रही है और वहां मैंगुओ की उन लोगों से बातों से पता लग रहा था कि कोई सेरेमोनी होने वाली है। छिंचिन को बिलीव था कि मैंगुओ उससे जबरदस्ती वेडिंग सेरेमोनी परफॉर्म करवाना चाहता है। मैंगुओ को उसी के रूम की तरफ आते देख वो मुड़ के जल्दी से पास रखा हथियार उठाने लगती है, बट वहां रखे सारे हथियार उसके लिए बहुत ही हैवी थे। मैंगुओ को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो कुछ भी बड़बड़ाने लगती है, उसे धमकाने लगती है जिससे मैंगुओ पर किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं हो रहा था। मैंगुओ छिंचिन को अप्रोच करता है और छिंचिन के पास रखा हथियार अपने हाथ में रख के छिंचिन के सामने झुक कर माफी मांगने लगता है और कहता है आपने हर बार मुझे पकड़ के आजाद करवाया है क्योंकि आप मेरे बारे में बहुत ऊंची सोच रखती हैं। मुझे टेस्ट करना चाहती थी, आपने मुझ में वो क्वालिटीज देखी जो किसी ने नहीं देखी। आपने मुझे सम्मान दिया और सात बार पकड़ के सात बार छोड़ने की बात भी निभाई। आपने तो अपनी तरफ से लॉयल्टी निभा ली है, अब मेरी बारी है। और वो छिंचिन की सारी गलतफहमियां दूर कर देता है कि बाहर ये सेलिब्रेशन की तैयारी उसे अपनी बहन बनाने की है और इस सातवीं बार में उसने छिंचिन को अरेस्ट किया है बट खुद को छिंचिन के सामने सरेंडर कर दिया है। छिंचिन के पास मैंगुओ की बात को मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। सो छिंचिन और मैंगुओ सेरेमोनी परफॉर्म करते हैं और भाई बहन बन जाते हैं। मैंगुओ छिंचिन को वेमेंग माउंटेन का रूलर घोषित कर देता है। छिंचिन थोड़ी देर के लिए सब कुछ भुला के दावत का पूरा आनंद उठाने में लग जाती है। मीनवाइल हांचू मैंगुओ के ठिकाने पर अटैक के लिए बिल्कुल रेडी था। इधर छिंचिन को वहां के लीडर पोस्ट दे दी गई होती है। छिंचिन भी ड्रंक हालत में खुद को वहां का लीडर ही मान लेती है। इस सेलिब्रेशन के बीच पता चलता है कि हांचू और चूचू की टीम वहां अटैक के लिए पहुंच चुकी है। ये डाकू मंडली विश्वास से भरी हुई थी कि उनके पास अब लीडर छिंचिन है, उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंगुओ अपनी डाकू मंडली को करेक्ट करता है कि वो यंग मास्टर हांचू हमारी लीडर का पति है और ये सही नहीं है उन्हें अपने पति से लड़वाना। छिंचिन जो नशे में धुत थी, जो अपने आप को पूरी तरह से वेमेंग माउंटेन का रूलर मान चुकी थी, इस अटैक की खबर सुनकर हांचू से लड़ने पहुंच जाती है। नशे की वजह से वो हांचू को पहचान नहीं पाती और उसे फ्लर्ट करने लगती है। हांचू छिंचिन की हरकतों से गुस्सा आ रहा था, वो सबको पीछे मुड़ने का ऑर्डर देता है, इंक्लूडिंग मैंगुओ और उनकी मंडली को भी। वो बात अलग है कि वो इस ऑर्डर को मानते नहीं है। हांचू झटके से छिंचिन को खींच कर उसे गले से लगा लेता है और उसके कान में धीरे से उसे कहता है कि ये सब बंद करो और उसके साथ चलो। बैकग्राउंड में मैंगुओ उन पर से अपनी नजर हटा ही नहीं पा रहा था और जीरो उसकी नजरों को रोकने में लगा हुआ था। हांचू के बाहों में आते ही छिंचिन के इमोशन बाहर आने लगते हैं और वो हांचू से कहती है, तुम बिल्कुल उस पर्सन की तरह लग रहे हो जिसे मैं जानती हूँ। उसने मुझे कहा था कि वो मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, मगर ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में वो मुझसे गुस्सा हो गया और इवन डराया भी मुझे, और एंड में मुझे कैंप में बिल्कुल अकेला छोड़ के चला गया। हांचू उससे माफी मांगता है। छिंचिन अब सेंस में आने लगी थी, वो हांचू को पूरी तरह पहचान कर जोर जोर से रोने लगती है। तुम्हें इतना टाइम क्यों लग गया, मैं बहुत डर गई थी। हांचू उसे शांत करता है कि मैंने गलती की है, बट अब मैं यहाँ हूँ, तुम मुझे इस गलती के लिए कोई भी पनिशमेंट दे सकते हो। छिंचिन उसकी बाहों से खुद को छुड़ाते हुए कहती है, तुम हीरोइन को बिलोंग करते हो, मुझे नहीं। हांचू कुछ भी नहीं सुनता और उसे गोद में उठाकर वहां से ले जाता है। चूचू ये सब जेलसी से भरी हुई आंखों से देख रही थी। जाते आते हांचू मैंगुओ से कहता है कि तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम लोग छिंचिन को लीडर मान के उसे फॉलो करोगे, तो इसलिए तुम लोग भी हमारे साथ कैंप में आ सकते हो, बस अपने लोगों को बिहेव में रखना। नेक्स्ट मॉर्निंग छिंचिन मैसिव हेडेक के साथ नींद से उठती है। उसे थोड़ा थोड़ा याद था कल क्या हुआ था। वो खुद को वार्न करती है कि उसे अब वाइन वगैरह से दूर रहना चाहिए। जीरो नशा उतारने के लिए सोफर सूप लेके आता है। ये पॉइंट करता है कि ये सूप सूजिंग ने बनाया है। सूजिंग का नाम सुनकर छिंचिन का दिमाग थोड़ा ठनकता है
और वो नोटिस करती है कि हर नेगेटिव सिचुएशन के दौरान सू चिंग उसके आसपास ही था। सो वो ड्रिंक को पीने से मना कर देती है और जीरो से सू चिंग पर नजर रखने के लिए कहती है। फाइनली चिंजिन को रियलाइज हो गया कि सू चिंग उसके साइड नहीं है। मीनवाइल सू चिंग नरिशिंग हेल्दी सूप चूचू को प्रेजेंट करता है। उसके दिमाग में चूचू को देख के यही थॉट चल रहा था कि वो उसे जरूर याद रखेगी जब वो उसकी हेल्प करके उसे क्राउन प्रिंसेस बना देगा। चिंजिन को जितना भी याद था कल के बारे में उतना काफी था उसे ये इंप्रेशन देने के लिए कि उसकी हरकतों ने हांशु को जरूर गुस्सा दिला दिया होगा। सो वो छुपते हुए इधर उधर देखती जा रही थी और बाई जी को ढूंढ कर उसे पूछती है कि हांशु यहाँ है। इन रियलिटी वो हांशु का पता इसलिए पूछ रही थी जिससे वो हांशु को अवॉइड कर सके सामने आने से। बाई जी सामने आते हांशु को रोक के उसे बताता है कि चिंजिन उसे ढूंढ रही है। हांशु चिंजिन के पीछे लग जाता है। हांशु क्लैरिफाई करता है कि मैं गलत था और तुम्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था मुझे। चिंजिन भी एडमिट करती है कि गलती उसकी भी थी, बट वो एक अच्छे मन से हांशु और चूचू को एक साथ करना चाहती थी। हांशु इस अपॉर्चुनिटी को यूज करते हुए कन्फेस करता है कि हाँ, मैं पहले चूचू को ही अप्रोच करना चाहता था, पर वो तब था जब मैं तुम्हें जानता तक नहीं था और तुम्हें कहा था कि कोई भी गिफ्ट देने से पहले सामने वाले की विश जान लेनी चाहिए, पर लगता है मुझे चूचू के साथ सेट करते वक्त तुमने मेरी विश जानने की कोशिश भी नहीं की। चूचू दूर से प्यार और जलन भरी नजरों से हांशु को देख रही थी एंड सूजे चूचू को देखकर मन ही मन में चूचू को प्रॉमिस करता है कि वो उसकी हेल्प करेगा हांशु को पाने में। थोड़ी देर बाद वहां का एक वर्कर हांशु को बताता है कि क्राउन प्रिंसेस चिंचिन उसे स्टोरेज रूम में मिलना चाहती है। उसके बाद सूजिंग उस वर्कर को समझाता है कि उसे खुद को छुपा कर रखना है और जब यंग मास्टर हांशु और वो दूसरा पर्सन जिससे उसका मतलब चूचू से था वो वहां पहुंच जाए, उसे तुरंत ही डोर को लॉक कर देना है और तब तक वेट करना है जब तक हांशु पर उस ड्रग का असर नहीं हो जाता। उनकी इस कॉन्वर्सेशन को जीरो सुन लेता है और तुरंत जाके चिंचिन को रिपोर्ट करता है। चिंचिन निकल पड़ती है हांशु को बचाने और जीरो से कहती है कि तब तक वो सूचिंग को अंडर कंट्रोल रखे और जीरो ये काम आसानी से कर देता है। कभी कभी जीरो भी काम का निकलता है। हांशु स्टोरेज रूम में पहुंच जाता है और वहां पर एक अगरबत्ती चल रही होती है जिसमें एक तरह का लव पोशन ड्रग मिला होता है। इस ड्रग की स्मेल से हांशु उस ड्रग के कंट्रोल में आने लगता है और उसका अपनी बॉडी पर से कंट्रोल खोने लगता है। इधर चिंचिन हांशु को ढूंढते हुए स्टोरेज रूम पहुंच जाती है। चिंचिन के उस स्टोरेज रूम में एंटर करते ही वो वर्कर एज पर ऑर्डर डोर को लॉक कर देता है। हांशु चिंचिन को पास देख के उससे जबरदस्ती करने लगता है। इस पर रिएक्ट करते हुए चिंचिन उसे पीछे धक्का देती है। हांशु कोशिश कर रहा था अपने को काबू में रखने की। वो चिंचिन से कहता है कि अभी के लिए मुझसे जितना दूर हो सके उतना दूर चली जाओ क्योंकि मैं लव पोशन ड्रग से पॉइजन्ड हूँ। चिंचिन ये सुनकर दौड़ के डोर पर आती है बाहर जाने के लिए, बट टू हर शॉक डोर तो बाहर से लॉक है। जीरो वहां डोर पर पहुंच गया था पर लॉक डोर को वो भी नहीं खोल सकता। चिंचिन उसे इंस्ट्रक्ट करती है कि ये बात किसी से पब्लिक मत करना, बस तुम बाई जी के पास जाके उससे हेल्प मांगो। सूजिंग होश में आ चुका था और उसे पता लगता है कि चूचू की जगह उस वर्कर ने चिंचिन को लॉक कर दिया है और यहाँ तक उस लॉक की चाबी भी खो दी है। मीनवाइल हांशु और चिंचिन की पकड़म पकड़ाई चल रही थी। हांशु खुद को रोकने के लिए अपने को चोट पहुंचाने लगता है, इवन वो मेडिटेट करने लगता है खुद को शांत करने के लिए। चिंचिन भी उसे मोटिवेट कर रही थी कि उसे इस अग्नि परीक्षा को सर्वाइव करना ही होगा। इधर खुद को शक के दायरे से बाहर करने के लिए सूजिंग भी डोर पे आ जाता है और चिंचिन के लिए कंसर्न दिखाते हुए कहता है कि मैं अभी कोई हेल्प लाता हूँ आपको निकालने के लिए। चिंचिन भी सोच रही थी कि एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊँ मैं तुम्हें हांशु को ही सौंप दूंगी, फिर वो डिसाइड करेगा तुम्हारे साथ करना क्या है। चिंचिन बस यही होप कर रही थी कि वो जल्द से जल्द यहाँ से निकले। एक्चुअली मैं बता दूं कि चिंचिन की ओरिजिनल स्क्रिप्ट में सूचिन ने इसी ड्रग को यूज करके चूचू और हांशु को करीब लाया था, जो चिंचिन ने कभी नहीं सोचा होगा कि ये सब उसके साथ हो जाएगा। सो एपिसोड 12 यही खत्म हो जाता है। जानना है आगे क्या होगा, सो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबा दीजिए एंड वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कॉमेंट भी कर दीजिए। सो अभी के लिए बाय बाय।